धन्यवाद देता हूँ, ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया होगा, बहुत सारे लोगों को बुलाया होगा, लेकिन कुछ लोग ही पहुंचे हैं। तो इसमें आप हताश और निराश ना हो, क्योंकि भगवान की मर्जी के बिना कोई पत्ता हिल नहीं सकता, और भगवान जिसको समझाना चाहता है उसी उन्हीं लोगों को आरसीएम समझ में आता है, बाकी किसी और को समझ में नहीं आता। उस कड़ी में मैं भी हूँ, मैं भी इस सिस्टम में लगातार 2001 से हूँ इस कंपनी में, और मुझे 18 साल बाद समझ में आया, कितनी बढ़िया बात है ना। मैं इसी सिस्टम में हूँ, करोड़ों लोगों को करोड़पति बनते हुए मैंने देखा है, लेकिन मेरे ये सिस्टम समझ में नहीं आया। क्यों नहीं आया? कि भगवान वो समझने देना चाहता नहीं था, है ना। तो भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि आप लोगों को ये सिस्टम समझ में आया और आप यहाँ हॉल तक पहुँचे हैं। मैं मेरा परिचय भी बताऊंगा आपको कि मैं कहाँ से हूँ, पहले मेरा बैकग्राउंड क्या था, और मुझे जरूरत क्यों पड़ी इस सिस्टम की, और क्यों मैं आज पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि जो मैंने गलती की है वो आप ना करें, है ना। इस चीजों पे अपन बातचीत करेंगे। नाम मेरा अशोक कुमार अचावा है, भिलवाड़ा राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, और बहुत ही सामान्य परिवार से हूँ मैं। बहुत ज्यादा गरीबी हम लोगों ने देखी है, बहुत ज्यादा गरीब परिवार से हूँ, बहुत हमने पानी से रोटी खाई हुई है, कभी रोटी नहीं भी नसीब हुई है, इस तरह की जिंदगी हम लोगों ने जी है। और हमारे फादर साहब के पास पैसा कम होते हुए भी हम लोगों को बहुत अच्छा उन्होंने पढ़ाया, 10वीं तक। गांव में मेरी शिक्षा हुई भिलवाड़ा से 35 किलोमीटर दूर सड़ास गाँव है चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो वहाँ पे हमारा एजुकेशन हुआ। 10th के बाद मेरे फादर साहब के पास पैसा नहीं था, तो मैंने कहा फादर साहब मैं भिलवाड़ा पढ़ाई करना चाहता हूँ। फादर साहब ने मना कर दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैंने वहीं पे ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया बच्चों को, और फादर साहब से 10वीं के बाद से मैंने पैसा लेना बंद कर दिया, और वहाँ पे ट्यूशन पढ़ाते हुए मैंने 11th 12th फिर कॉलेज किया, फिर कुछ एग्जाम दिए, लेकिन नौकरी में कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाया। और उस समय टीचर की नौकरी मुझे बहुत अच्छी लगती थी, उस समय क्या 7500 रुपये टीचर को मिलते थे, और ट्रेनिंग करने में कोई खर्चा नहीं ज़्यादा मोटा आता था, क्योंकि 12वीं में अच्छे नंबर लाओ, एसटीसी करो और टीचर बन जाओ, या बीए करो और टीचर बन जाओ। मैं टीचर बनना चाह रहा था, लेकिन भगवान मुझे बनना नहीं दे रहा था। तो अपनी मर्जी का नहीं हो तो चलेगा, लेकिन भगवान की मर्जी का हो जाए तो उसमें शुक्रिया भगवान का करना चाहिए। मैं 7500 की नौकरी करना चाह रहा था और भगवान मुझे करना नहीं दे रहा था। तो इस तरह से मेरा जो शुरुआत हुई वो बहुत नॉमिनल तरीके से हुई। एक बार आरसीएम में वांट निकली, और वो आरसीएम में मैंने फर्स्ट टाइम जॉब स्टार्ट किया एज ए एम्प्लॉय 1250 रुपये। तो मेरा जो सफ़र स्टार्ट हुआ था जिंदगी का वो 1250 रुपये से हुआ था। तो जिंदगी की पहली शुरुआत मैंने 1250 रुपये से की, वो धीरे 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 लगातार बढ़ते क्रम में रही। मुझे टीसी सर के साथ रहने का मौका मिला, और वहाँ से मेरे सफ़र की शुरुआत 1200 की बढ़ते 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 3000 हुआ, 4000 हुआ, 5000 हुआ, 10000 हुआ, इस तरह मुझे उसमें मस्ती आ रही थी। काम अच्छा करके लगातार उसी को मैं बढ़ते हुए क्रम में देख रहा था, मुझे ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं छोटा था तब से ही मेरी मदर को बोला करता था कि अपने घर में जो मकान है गांव में नहीं बनेगा, भिलवाड़ा में बनेगा। सपना छोटा था तभी कुछ करना चाहता था मेरे पास, क्योंकि जरिया नहीं था, प्लेटफॉर्म नहीं था कुछ करने का। तो मेरे सपने थे कि पढ़ लिख के कुछ बड़ा करूंगा, और मैं नक्शे बना दिया करता था नींदों में उठ के मम्मी के सामने पेपर पे, इस तरह का अपना भिलवाड़ा में मकान होगा, ये होगा। तो मेरी मम्मी डांटा करती थी, ऐसे बच्चों को डांटते या नहीं डांटते सभी के घरों में। मैं कहता था गाड़ी लाऊंगा मम्मी, मम्मी कहता था थोड़ा बड़ा तो हो जा, कमा तो खाने लग, पता चल जाएगा तेरे को दुनिया कैसी है। सभी के घरों में ऐसा होता है या नहीं होता? मेरे घर में भी होता था। मैं बड़े बड़ी बातें करता था तो घर वाले मुझे हमेशा डिमोटिवेट करते थे, और अपने सबके घरों में बच्चे हैं तो अपन यही करते हैं, अरे तू चढ़ मत गिर जाएगा, तू ये मत कर वो मत कर, तेरे से ये नहीं होगा, करता या नहीं करता? ऐसा नहीं कहना चाहिए, उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए, यस यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। और हर बच्चा अगर कमजोर भी है तो उसको आप अच्छा कह कह के अच्छा बना दो। तो आदरणीय टीसी सर के लिए मैं एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा, जो इस सिस्टम के जननायक है। उन्होंने आम आदमी को ऊपर उठाने के लिए एक सिस्टम की शुरुआत की, उसका नाम है आरसीएम बिजनेस। अगर कोई भी आदमी इसकी संगत में आके रंगत में आ जाएगा तो उसकी तकदीर और तस्वीर बदलना तय है। तो आज के इस वेबिनार में मैं आप सबका स्वागत करता हूं, और ये मेरा बैकग्राउंड आप देख सकते हैं। देखिए आप मकान कितना बहुत खूबसूरत है, देखिए ये मेरा 2000 से पहले का मकान है,
इतनी गरीबी हालत थी हमारी कि कच्चे केलू थे, ऊपर नीचे देखो डंडे भी टूटे हुए हैं, आपको कहीं कहीं दिखाई देंगे। तो इस तरीके से मेरी ये मकान की पोजीशन है, 25x25 का मकान है। इतने गरीब हालत में हम लोग थे, मेरे फादर साहब के पास कुछ नहीं था, एक ही रास्ता अंदर जाने का था, उसको बंद करके एक छोटी सी किराने की दुकान लगाई, एक ही रूम था उसमें ये गेट खोला गया। और मैं उस समय 10वीं पढ़ चुका था, तो हमारे पास पैसा नहीं था। पढ़े लिखे को लोन मिलता है या नहीं मिलता है यहाँ पे? यहाँ पे मिलता है ना, पढ़ लिख जाता है 10वीं 12वीं कर लेता तो लोन मिलता है पढ़े लिखो को। तो मैं भी उस समय 10वीं पास कर चुका था, तो मुझे 75,000 रुपए का लोन मिला था। वो लोन भी इसलिए लिया था मेरे फादर साहब ने कि मेरी सिस्टर की शादी करनी थी, तो 75,000 रुपए का लोन मिला था। हमारे बैंक मैनेजर साहब मिलने वाले थे, तो उन्होंने मुझे ग्रेजुएशन के नाम पे लोन दिया, और उस लोन से मेरी सिस्टर की शादी हुई। उन दिनों को अपन याद करते हैं। तो बहुत गरीबी हालत में था, लेकिन मेरे पास कोई जरिया नहीं था। मैं दर दर के लिए ठोकरे खा रहा था कि मुझे कोई जॉब मिल जाए, कुछ ही हो जाए। तो उसी दरमियान RCM में गया, और RCM में मैंने पहले दिन ही गया तो मैंने कहा नहीं यार, इसमें एक बार अपने को एंट्री मिल जाए तो मैं बहुत बड़ा कर सकता हूँ, 7,500 रुपये तो मैं इस कंपनी के अंदर पहुंच ही जाऊंगा। ये सोच लेके मैं उस कंपनी में गया, और उसमें एक साल के अंदर ही मैं बहुत बड़े मुकाम पे पहुंच गया था। और धीरे धीरे मैंने वहां पे सफर स्टार्ट किया, तो मेरे पास हिंदुस्तान में एक डिपो नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, चार डिपो, पांच डिपो मेरे पास है। अभी मैं वर्तमान में 4 डिपो में रन कर रहा हूँ लगातार इस सिस्टम में, और बहुत अच्छी मेरे परिवार में इनकम आ रही, लगभग 5 लाख से ऊपर की पर मंथ मेरे को अदर सिस्टम से इनकम आ रही। लेकिन इस सिस्टम की शुरुआत क्यों हुई? आज जो मैं मेरी लाइफ की बात करूं तो आपको, आज मेरे परिवार में मेरे फादर साहब के पास अलग गाड़ी है, मेरा एक भाई है उसके पास अलग गाड़ी है, और मेरे पास अलग गाड़ी है। मैं 10 लाख की गाड़ी मेंटेन करता हूँ, मेरा भाई 10 लाख की गाड़ी मेंटेन करते हैं, मेरे फादर साहब 8 लाख रुपए की गाड़ी मेंटेन करते हैं, ड्यू टू पावर ऑफ RCM बिजनेस। और ये मेरी लाइफ के मकान, इस तरह के बंगले 1.25 करोड़ के लगभग मेरे 4 बंगले हैं भिलवाड़ा के अंदर, ड्यू टू RCM। लेकिन इस सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी मुझे, आज मैं उस पर आपकी चर्चा करना चाहूंगा कि इस सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी। और साल बदलता रहता, देखो हर साल बदलता रहता है, और इस 2023 में मैं ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी जिंदगी में भी वो बदलाव आए, वो खुशियां आए जो आप डिजर्व करते हैं, ऐसी मैं भावना लेके आया हूँ। तो आप इस सिस्टम की संगत में रहें, और आदरणीय TC सर के लिए एक बार पुनः जोरदार तालियां। और मार्केटिंग प्लान कितने लोगों को समझ में आया? मार्केटिंग प्लान यहाँ पे बताया गया था, जो समझ में आया? तो देखिए, अमीर लोगों को उसी मार्केटिंग प्लान में से मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा जो बहुत जबरदस्त है, अगर अपन ने उन चीजों को पकड़ा नहीं। क्यों? कि अपने जो दादाजी थे, पापा जी है, वो उसी तरीके से सामान खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे? हमारे पास उसके अलावा और दूसरा तरीका नहीं है खरीदने का। है क्या कोई दूसरा खरीदा तरीका? डायरेक्ट फैक्ट्री से अपने को प्रोडक्ट मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता। तो इन्होंने क्या समझाया था, ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री वाला प्रोडक्ट का बेचता है, यहाँ पे ऐड कराता है ना सर, फिर यहां से होलसेलर, फिर एजेंट, फिर डिस्ट्रिक्ट होलसेलर, और फिर रिटेलर, ये बताया गया था। और यहाँ पे होता है कस्टमर, इसमें नाम क्या दिया आपने ग्राहक का? कस्टमर। कस्टमर क्यों कहा जाता है? कि वो कस्टमर ही मरता रहता है बेचारा। और ग्राहक क्यों बोला जाता है? कि उसके सभी तरह के ग्रह लगे हुए होते हैं, इसीलिए ट्रेडिशनल मार्केट में कस्टमर को कस्टमर बोला जाता है, कि तू कस्टमर ही मरता रहे। और ग्राहक इसलिए कि उसके 9 तरह के ग्रह लगे हुए होते हैं, इसलिए ग्राहक बोलते हैं। ग्रह लगते हैं या नहीं लगते आदमी? इसीलिए अब इस चीज में अपने को ये चीज पकड़नी कि अमीर किस तरह से बन सकते हैं। क्या अपन जो काम कर रहे हैं उससे अमीरी आ सकती है? आ सकती है। अगर अपन पहले जो करते आ रहे हैं, अपने पापा ने किया वही काम अगर अपन करते रहेंगे तो अपने को वही मिलेगा जो उनको मिला। अगर कुछ अलग चाहिए तो अपने को अलग करना पड़ेगा। इसमें बताया गया था ना कि RCM बिजनेस क्या है। RCM ने क्या किया, यहाँ पे फैक्ट्री RCM की है, और उसने कहा मैं आपके एरिया में RCM का PUC खोल देती हूँ, और आप यहाँ पे ग्राहक नहीं, यहाँ पे एसोसिएट बायर बन जाएंगे, और थोड़ा सा आप चल के यहाँ से प्रोडक्ट लोगे तो मैं आपको 45% का पार्टनर बना दूंगी। क्या बोला RCM ने? कि मैं फैक्ट्री में लगाऊंगी, दुकान आपके शहर के पास आ जाएगी, थोड़ा सा आप चलो और इस दुकान से सामान लोगे तो बिचौलियों के बीच में जो पैसा जा रहा है वो अपने घर में आ सकता है। तो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो ये बात समझ में, अपने को क्या करना है, दुकान बदलनी, और कुछ नहीं करना। अपने क्या बदलना है?
दुकान बदलनी। मुझे भी इस तरह की मीटिंग में एक बार जाने का मौका मिला। वहां पे जो शख्सियत थी आदरणीय गुरुदेव हमारे भागचंद छाबड़ा सर, एक बार जोरदार तालियां, वो बता रहे थे कि इस बिजनेस को आप करें तो टाइम फ्रीडम हो सकते हैं, मनी फ्रीडम हो सकती है, सिक्योरिटी हो सकती है। तो उस दिन मेरे ये दिमाग में आ गया था कि यार मैं काम तो कर रहा हूं लेकिन सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं है। तो मुझे उस दिन समझ में आया कि इसमें टाइम फ्रीडम भी हो सकता है, घूमना फिरना भी हो सकता है, जान पहचान भी मिल सकती है। तो फिर इस सिस्टम को मैंने सीखना स्टार्ट किया। तो अमीर किस तरह से बनते हैं, देखिए इसी प्लान में मैं आपको समझा दूंगा कि अमीर किस तरह से बनते हैं, अमीर लोग क्या काम करते हैं। देखिए अमीर लोगों का पहला काम क्या है, अमीर लोग क्या कर रहे हैं, देखो ये क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है या नहीं कर रहा, बिजनेस कर रहे हैं। तो अमीर बनने के लिए सबसे पहली जो कंडीशन है वो क्या है, कोई ना कोई बिजनेस करना पड़ेगा, नौकरी से पूरा पढ़ने वाला नहीं है। तो अमीर बनना, देखो ये बिजनेस कर रहा है या नहीं कर रहा, बिजनेस कर रहा है, हेड वाला बिजनेस कर रहा है या नहीं कर रहा, अपने लोग अपन उनके फॉलोअर्स है या नहीं है, अमिताभ बच्चन को अपन लाइक कर रहे हैं तो अपन उसके क्या हुए फॉलोअर्स, अपने दम पे वो पैसा बना रहा, बिजनेस कर रहा है, होलसेलर बिजनेस कर रहा है, एजेंट बिजनेस कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट होलसेलर बिजनेस कर रहा है और दुकानदार बिजनेस कर रहा है। तो पहली कंडीशन क्या हुई, बिजनेस करना पड़ेगा। अगर अमीर बनना है तो पहली कंडीशन क्या है, बिजनेस करना पड़ेगा। और बिजनेस में क्या होता है, करोड़ों रुपए लगाना पड़ता है, यही है आज तक अपन ने यही सुना ना कि भाई बिजनेस करना है तो अपने को पैसा लगाना पड़ेगा। लेकिन आजकल क्या स्मार्ट जमाना है, बिना पैसे के भी लोग अमीर हो रहे हैं या नहीं हो रहे, हो रहे नहीं हो रहे, तो मैं बता देता हूँ। आप लोग फेसबुक यूज करते हैं, कोई सैलरी देते हैं नहीं देते हैं, गूगल पे आप डालिए फेसबुक वाले की इनकम कितनी है, व्हाट्सएप सब यूज करते हैं, करते हैं, उसको कोई पगार देते हैं नहीं देते, आप गूगल पर डालिए, वो टॉप 100 के अंदर है, अमीर लोगों की लिस्ट में है टॉप 100 में। आप मेल करते हैं जीमेल गूगल पे, तो उनको अपन सैलरी देते हैं क्या, नहीं देते। ऐसे बहुत सारे तरीके जिससे आप अमीर बन सकते हैं। तो अमीर करने की पहली कंडीशन क्या है, बिजनेस करना पड़ेगा। और दूसरी कंडीशन क्या है, इस चीज में क्या समझ में आया, ये क्या कर रहे हैं, कच्चा मटेरियल फैक्ट्री वाला खरीद रहा है या नहीं खरीद रहा, खरीद रहा है। तो अमीर बनने की दूसरी कंडीशन क्या हुई, देखो ये खरीद रहा है, इससे ये खरीद रहा है, ये खरीद रहा है, ये खरीद रहा है, ये खरीद रहा है, ये खरीद रहा। तो दूसरी कंडीशन क्या हुआ, खरीदना और बेचना, ये सब लोग क्या कर रहे हैं, माल खरीद भी रहे हैं और आगे से आगे बेच भी रहे हैं। तो अमीर बनने की दूसरी कंडीशन क्या है, खरीदना पड़ेगा और बेचना पड़ेगा। और तीसरी चीज क्या कर रहे हैं इसमें, ये देखिए फैक्ट्री वाला किसको जोड़ रहा है, एडवर्टाइजमेंट वाले को, एडवर्टाइजमेंट वाला किसको जोड़ रहा है, लोगों को जोड़ रहा है या नहीं जोड़ रहा, जोड़ रहा। और इससे ये जोड़ रहे हैं कि नहीं जोड़ रहे, होलसेलर वाले जोड़ रहे हैं, और इससे एजेंट जुड़ रहा है या नहीं जुड़ रहा, और इससे डिस्ट्रिक्ट होलसेलर जुड़ रहा है या नहीं जुड़ रहा, केवल एक तो दुकानदार किसी को नहीं जोड़ रहा है और ग्राहक किसी को नहीं जोड़ रहा है ना। तो तीसरा काम क्या हुआ, जोड़ना पड़ेगा। तो अमीर लोगों के कितने काम है, एक तो बिजनेस करना, दूसरा खरीदना बेचना, और तीसरा काम क्या है, जोड़ना पड़ेगा। तो आरसीएम सिस्टम अपने को क्या कह रहा है, आरसीएम सिस्टम अपने को क्या कह रहा है, सर बिजनेस कर लीजिए बिना लगाए, केवल एक मात्र आपको आईडी लगानी है, उसमें आपका आधार कार्ड चाहिए, पैन पासबुक चाहिए, आपका पैन कार्ड नंबर चाहिए, फादर का आधार कार्ड नंबर चाहिए, और एक चाहिए मोबाइल नंबर, और एक चाहिए नॉमिनी नेम, उससे आप इस कंपनी के एसोसिएट बायर बन सकते हैं। एसोसिएट बायर बनने का बहुत सारे फायदे, एक तो बिजनेस करने का मौका मिल जाता है, खरीदने बेचने का लाइसेंस मिल जाता है, और जोड़ने का लाइसेंस मिल जाता है। अगर अपन जिंदगी में किसी को जोड़ नहीं रहे तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि आज जितने भी अमीर बने वो सब लोगों ने जोड़ा है, एक दूसरे को जोड़ा है, तभी वो अमीर बने। और अमीर बनना है तो अपने को एक काम के साथ दूसरा काम करना पड़ेगा। अमीर लोगों की दूसरी खासियत क्या है, वो एक काम के साथ साथ दूसरा काम भी करते हैं। लेकिन अपन 10,000-20,000 में इतने मस्त हो जाते हैं कि दूसरी तरफ करोड़ों की अपने पास जो अपॉर्चुनिटी आती वो भी अपन ध्यान नहीं दे पाते। आज ये क्या है, करोड़ों रुपए कमाने की अपॉर्चुनिटी अपने सामने आई है, तो इसको अपने को सीरियस होके करना है। इसमें केवल आप डटे रहेंगे, इसमें करना क्या, दुकान बदलनी है, संगत बदलनी है, और इन बातों को सीखना है, और ये प्रोडक्ट को यूज करना है, और लोगों को यूज करवाना है।
करवाना है। तो ये हुए अमीर बनने के साधन। तो उस दिन मुझे समझ में आया कि यार मुझे अमीर बनना है तो ये तीन काम करने पड़ेंगे।